पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए, इतना अपार प्रेम सबको एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं, सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। राजनीति में मेरा एक और वही मकसद जो आज मैंने ट्वीट भी किया कि अब वैसा महापाप ना हो बिहार में चाहे कहीं पे भी मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी। कभी कोई ऐसा उम्मीदवार आया है बिहार में चाहे पूरे देश में जो नया नया, अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए, इतना अपार प्रेम सबको एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। हम तो देखे रोहिणी जी आप गांव में चले जा रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर का विरोध करते थे और आज देखिए क्या हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी ने भी मना कर दिया था दिशा में जाने से, कोई मना नहीं किया था, हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसी तो पार्टी है, वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता। हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं, सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। रोहिणी जी आप महिलाओं से मिल रही हैं, आपने अपने पिता को किडनी दी थी, वो क्या कह रही हैं गांव में जो महिलाएं हैं, आप टोलों में जा रही हैं बस्तियों में जा रही हैं? आप आ रहे हैं आज, आइए आप लोग आइए बताएगी महिला लोग से पूछिए। बालिका गांधी कांड का जिक्र किया आपने ट्वीट में सुबह सुबह, तो मेरा राजनीति में पहले जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब आना डिसाइड हुआ, तो मैंने बोला था मेरा उसी समय मन था, लेकिन मैं एक माँ थी, माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे उस समय छोटे थे, मैं आ नहीं पाई। लेकिन राजनीति में मेरा एक और वही मकसद जो आज मैंने ट्वीट भी किया कि अब वैसा महापाप ना हो बिहार में चाहे कहीं पे भी मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ। पापी किसे मानती है आप? उस ग्रिप के लिए जो घटना हुई, वो तो आप लिस्ट निकालिए ना, तोंद वाले अंकल अभी तक उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होर मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की होर लगी हुई है।